हेलो दोस्तों, आप में से कई किसान भाइयों ने यह बार बार अनुभव किया होगा कि साल भर में कितनी भी बारिश क्यों ना हो जाए, लेकिन बरसात के एक दो महीने ख़त्म होते ही हम यह अनुभव करते हैं कि खेती को देने के लिए बहुत ही कम पानी शेष बचा है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका एक मेन रीज़न यह होता है दोस्तों कि हम पानी को ठीक तरीके से स्टोर करके नहीं रखते। तो यही मेन रीज़न होता है कि पानी को स्टोर करके ना रखने की वजह से खेती को पानी देने के लिए बहुत ही कम पड़ जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हम खुद के लेवल पे ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमारी खेती को हम पूरी साल भर पानी दे सके, और इसके लिए कोई ऑप्शन है? तो जी हाँ, बिल्कुल, इसके लिए भी यह एक ऑप्शन है दोस्तों, जिसे कहते हैं पॉन्ड फार्मिंग, यानी कि खेत तालाब। तो यह खेत तालाब की मदद से आप इसको यूज़ करके अपने खेती को साल भर के लिए पानी दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा और इसकी पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है, मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको देने की कोशिश करूंगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नील, आप देख रहे हैं मेरा अपना चैनल वी आर फार्मर्स। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप यह एक खेत तालाब देख रहे हैं जो कि इसका बनना चालू ही है, यानी कि यह अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इसको किस तरीके से बनाते हैं, इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, यह पूरी प्रोसेस क्या है? यह खेत तालाब जो है वह नॉर्मली महाराष्ट्र में ज़्यादा फेमस है, और उसकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की काफ़ी सारी अच्छी स्कीम भी है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और इस स्कीम का फ़ायदा काफ़ी सारे किसान भाइयों ने लिया है। तो मैं चाहता था कि बाकी लोग भी इस आइडिया का यूज़ करके कुछ ऐसा अपना खुद का भी डेवलप करें, ताकि आप अपनी खेती को साल भर के लिए पानी दे सके। तो इसकी पूरी प्रोसेस क्या है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो इसे लाइक शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले जो बात आती है खेत तालाब बनाने के लिए, वह सबसे पहले मेन बात जो है वह है ज़मीन की। तो ज़मीन आप ज़्यादा से ज़्यादा बंजर ज़मीन ही इसे चॉइस करें, ताकि आपकी जो अच्छी उपजाऊ ज़मीन है खेती की वह वेस्ट ना जाए। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि यदि आपके पास यदि कोई बंजर ज़मीन पड़ी है तो उसको इस्तेमाल करें। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इस ज़मीन को हम एक बंजर ज़मीन ही है जिसे हम खेत तालाब के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अभी आप जो देख रहे हैं वह खेत तालाब, यह एक अंडर कंस्ट्रक्शन खेत तालाब है, यानी कि इसका पूरा बनना अभी बाकी है। तो मैं आपको दिखाने के लिए यह वीडियो बनाया हूँ दोस्तों, ताकि आप समझ सकें कि किस तरीके से बनाया जाता है, क्या है पूरी प्रोसेस। तो उपजाऊ ज़मीन का इस्तेमाल ना करें, बंजर ज़मीन का ही इस्तेमाल करें। यदि आपके पास नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका भी आप जो ज़मीन हो आपके पास उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। खेत तालाब बनाने के लिए आपको ज़रूरत होगी एक बड़े जेसीबी या कॉकलिन की, जिसके ज़रिए आप इसको खुदाई कर सके और इसको जल्दी से जल्दी पूरा कर सके। एक बार यह आप जो देख रहे हैं वो आयताकृति, इसको खोदने के बाद आपको इसके अंदर जो भी पूरे आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे पत्थर है या कंकड़ है, उन सभी को पूरा का पूरा यहाँ से बाहर निकालना होता है। खेत तालाब बनाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें दोस्तों यहाँ पे आप याद रखें। कोशिश करें कि जब आप खुदाई कर रहे हो तो खुदाई करने से पहले ही जो खेती की ऊपर की जो लेयर होती है, जो ऊपर की मिट्टी होती है, उसको एक साइड में कर दीजिए, किनारे कर दीजिए एक इस खेत तालाब के, ताकि जब आप खेत तालाब की खुदाई कर ले तब आप जब इसमें से जो पत्थर है कंकड़ है उसको बाहर निकाल लीजिए, और उसके बाद यदि आपको ज़रूरत लगेगी तब इसकी जो सतह है उसको स्मूथ करने के लिए उस मिट्टी का आप यहाँ पे फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको अलग से कोई मिट्टी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। जैसे जैसे आप नीचे नीचे खोदते हैं तो पत्थर और कंकड़ ज़्यादा बढ़ जाते और उस समय अच्छी मिट्टी आपको मिल नहीं पाती। तो आप कोशिश करें कि ऊपर की सतह की मिट्टी को एक किनारे कर दीजिए और उसको बाद में फिर से सतह को स्मूथ करने के लिए इस्तेमाल कर दीजिए। इस मिट्टी में आप थोड़ा थोड़ा थायमेट भी मिक्स कर दीजिए, ताकि जो चूहे और बाकी जो जानवर है वह खेत तालाब को नुकसान ना पहुंचा सके, और जो हमारा जो हम पन्नी इस्तेमाल करते हैं उस पन्नी को वह
होल ना कर पाए, तो इसके लिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आप थाइमेट का यूज़ ज़रूर करें और उसके बाद ही इस पन्नी को बिछाइए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट रोल है दोस्तों, एक बार आपने यह पूरा प्रोसेस कर दिया तो आपको यहाँ पे पन्नी बिछानी होगी इसमें, जहाँ पे आप देख रहे हैं इस खेत तालाब में, कि यह पन्नी काफ़ी यूज़फुल है दोस्तों और इसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि इसमें से जो पानी है वह इसके ऊपर ही टिका रहे, ना कि वह ज़मीन के अंदर चला जाए। तो इसके लिए एक अच्छी क्वालिटी की पन्नी का आप इस्तेमाल करें। कुछ पन्नी बेचने वाली कंपनियाँ आपको यह भी सुविधा देती है कि वह आपके खेत तालाब पे खुद आकर वह पन्नी बिछा के उसको जॉइंट करके देते हैं। तो यदि ऐसी सुविधा आपको किसी कंपनी की तरफ से मिल रही है और उसकी पन्नी भी अच्छी क्वालिटी की है, तो आप उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। उनको एक्सपर्टीज़ होती है दोस्तों इस चीज़ों में और इस काम में, तो यह हमारे लिए काफ़ी अच्छा है दोस्तों। इससे हमारी खेत तालाब की जो पानी को सुरक्षित रखने में काफ़ी हेल्प होगी दोस्तों। तो इस पन्नी को कनेक्ट करने के लिए या जॉइंट करने के लिए आपको वहाँ पे बिजली की ज़रूरत भी होगी, तो उसका भी कोई जनरेटर या कुछ और इंतज़ाम हो सकता है, तो कर दीजिए। कोशिश करें कि यह जो आप खेत तालाब बना रहे हैं वह पानी के सोर्स के नज़दीक बना सके तो अच्छी बात है दोस्तों, ताकि जब पानी अवेलेबल हो, तो जो बरसात के मौसम में पानी अवेलेबल हो, तो आप उस पानी को इस खेत तालाब में इकट्ठा कर सकें। इसलिए जो पानी का सोर्स है उसके नज़दीक ही इस खेत तालाब को बनाने की कोशिश करें, यह आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, ताकि आप इस के हेल्प के ज़रिए आप इस खेत तालाब को पूरा का पूरा भर सके, फिल कर सके बरसात के मौसम में ही। आपको यह याद रखना है दोस्तों कि बरसात के मौसम में ही इसको आपको पूरा का पूरा फुल कर देना है, या जितना भी आप मैक्सिमम उसको स्टोर कर सकते हो पानी उसमें, वह स्टोर कर देना है, ताकि उस पानी को आप जो बाकी समर के डेज़ है उस समय में आप इस्तेमाल कर सकें। तो बरसात के मौसम में ही इसको पूरा का पूरा भर ले, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ड्रम दिख रहा है पानी के भीतर, तो उस ड्रम में एक पानी खींचने के लिए एक सबमर्सिबल पंप बिठाया गया है, और दूसरा यदि आप ज़मीन के सतह पे वह पंप रखना चाहते हो, तो वहाँ पे कोशिश करें कि आप जो पन्नी का बचा हुआ टुकड़ा है उसको पहले नीचे रख दीजिए, या उसके ऊपर और थोड़ी बहुत चीज़ें रख दीजिए, और हो सके तो रबर का टायर या ऐसा कुछ उसमें मोटर बिठा दीजिए, ताकि वाइब्रेट होने की वजह से वह पन्नी को नुकसान ना हो। तो यह आपको काफ़ी ध्यान में रखना है, और जो सबमर्सिबल पंप आप यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आपको और एक ध्यान रखना है दोस्तों कि उसके जॉइंट पूरे के पूरे तरीके से आप सही दे, ताकि इलेक्ट्रिसिटी का कुछ फॉल्ट ना हो और इस पानी से करंट ना बहने लगे। तो यह भी आपको काफ़ी ध्यान देकर, इसको जो मोटर है आपकी उसको काफ़ी ध्यान देकर यहाँ पे आपको फिट करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस ड्रम में उन्होंने जो सबमर्सिबल पंप है उसको बिठाया है। आप अपने तरीके से और कुछ दिमाग लगा के भी दूसरे चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों कि यह पन्नी जो है, वह पन्नी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि उसको ज़मीन के अंदर उसके ऊपर मिट्टी डाली है, ताकि वह हवा से ना उड़े, और यही चीज़ों आपको भी करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे बाउंड्रीज भी बनाई गई है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक बाउंड्री बनाई है या वॉल कंपाउंड की तरह कुछ किया है, ताकि जो बाकी जो जानवर है या दूसरी चीज़ें हैं वह आके यहाँ पे खेत तालाब पे सीधा ना चढ़ जाए और आपकी पन्नी का नुकसान ना करें। तो यही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, इस चीज़ों का आपको काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। और यहाँ पे सब तरीके से आप देख रहे होंगे कि पन्नी के साइड में सभी ओर से मिट्टी बिछाई गई है, ताकि यह पन्नी ना उड़े, और यहाँ पर आपको वॉल कंपाउंड भी करना है, ताकि इस खेत तालाब की आप रक्षा कर सकें। अभी जो आप खेत तालाब देख रहे हैं दोस्तों, वह काफ़ी बड़ा खेत तालाब है। इसका आक्रमण लगभग 50x50 मीटर है, और इसकी गहराई लगभग 4 से 5 मीटर तक है। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की यदि मैं बात करूँ, तो यह 60-70 लाख लीटर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या पानी इकट्ठा करने की क्षमता रखता है दोस्तों। इस एरिया में खेत तालाब काफ़ी प्रचलित है दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक और एक खेत तालाब अंडर कंस्ट्रक्शन में है। यहाँ पर आप जो ये शूटिंग देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, वह अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में शूट किया गया है।
यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी खेत तलब है और एक खेत तलब जो मैंने अंडर कंस्ट्रक्शन वीडियो में आपको पहले दिखाया दिया था, और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पूरा का पूरा तैयार जो खेत तलब है, इस खेत तलब पे अभी हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं। तो यह खेत तलब दोस्तों काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपको, खासकर जब जिस मौसम में आपकी खेती के लिए पानी कम पड़ जाता है, यानी कि जो समर का मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है, उस मौसम में खेती के लिए पानी बचता ही नहीं। तो आप यदि कुछ ऐसा स्टोर करके रखे पानी, तो उसको आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पानी के ऊपर आप केवलिन 14 ये एक लिक्विड मिलता है, उसको भी आप डाल सकते हो इस पानी के ऊपर, ताकि वह वेपराइजेशन कम करे, बाष्पीभवन इसका कम हो। यहाँ पर देख रहे हैं पन्नी भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के है दोस्तों, और पन्नी का अच्छी क्वालिटी का होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यह बात आप ध्यान में रखें। यहाँ पे दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि उन्हें भी यह इस तरीके की नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिल सके। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ मैं जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, थैंक यू।